वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ श्रेयाली सरकार और मैं आज आप सबके लिए एक न्यू वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने लिमिट्स के दो क्वेश्चंस करवाए थे विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन मेथड। इस वीडियो में भी मैं लिमिट्स के दो क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन देखिए है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है सॉरी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, पहले चेक करना पड़ेगा कि ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं है। हम जब यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो ये ऑब्वियसली अनडिफाइंड हो रहा है, तो क्या करेंगे हम रैशनलाइज करेंगे। ऑब्वियसली हम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन तो हुआ ही नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने से ये पूरा फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों में करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम नीचे लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। अब आप यहाँ पे देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने जो दो क्वेश्चंस कराए थे वहां पे एक आइडेंटिटी यूज किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ भी सेम वही आ रहा है। देखिए आप, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन, ये जो नीचे था ये एज इट इज यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरे जो ब्रैकेट के सामने हमारा निगेटिव साइन था, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये निगेटिव इनका साइन चेंज कर देगा और ए के सामने निगेटिव आ जाएगा और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर के सामने आपका क्या आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एज इट इज हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये एक्स ए स्क्वायर यहाँ पे निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो हम क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो टू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे अभी जीरो पुट करती भी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस फंक्शन को, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट्स आपके पास आ जाएगा टू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जीरो प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जीरो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू अपॉन टू रूट टू ए, क्योंकि ए स्क्वायर था रूट के बाहर आएगा तो फिर ये ए बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया वन अपॉन ए। माय लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस फाइव। अब हम क्या करेंगे इसको, हम इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू फोर एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस फाइव। यहाँ पे आपका आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फाइव अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फाइव। अब सेम पहले के प्रोसेस में करेंगे, तो यहाँ पे आपका एज इट इज हम उतार लेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फाइव अपॉन, यहाँ पे आपका ये ए है ये बी है,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन होल स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, जो कि आपका नीचे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फाइव अपॉन। अब आप ये देखिए, ये जो रूट है ये उठ जाएगा और हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस यहाँ पे फाइव स्क्वायर यानी कि ट्वेंटी फाइव। अब हमें पता है नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स, ये एज इट इज होगा, तो नीचे आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन। अब आप देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन है, नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू फोर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फाइव। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं लिमिट को, हाँ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं टेकिंग लिमिट्स आपका आ जाएगा फोर स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फाइव, ये रूट में था, सो यहाँ पे आपका आएगा 16 प्लस 9 प्लस 5 25 रूट ओवर 25 प्लस 5 व्हिच इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10।